Today our topic is what is simple pendulum. Diagrammatically show the forces acting on the simple pendulum. Also show that simple pendulum executes simple harmonic motion. First part hai, what is simple pendulum? Simple pendulum consists of a point mass, bahut chota mass hai, suspended by inextensible वेटलेस स्ट्रिंग इन अ यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड. ये आइडियल कंडीशन है, यानी हमारे पास जो सिंपल पेंडुलम है उसका मास ना होने के बराबर है. वो एक ऐसी स्ट्रिंग से कनेक्टेड है जिसका वेट ना होने के बराबर है और जो जिस ग्रेविटेशनल फील्ड में है वो यूनिफॉर्म है. ये आइडियल कंडीशन है. ऐसा सिंपल पेंडुलम नामुमकिन है, यानी उसका मास भी होगा, उसका वेट भी होगा और ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकती है कि नॉन यूनिफॉर्म भी हो. तो ये हमारे पास एक आइडियल कंडीशन है. सिंपल पेंडुलम कैन बी सेट इनटू ऑसिलेटरी मोशन बाय पुलिंग इट टू वन साइड ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड देन रिलीज इट. हम क्या करते हैं, हम एक फोर्स, हम क्या करते हैं, हम एक बॉडी को, सिंपल पेंडुलम को अपनी जगह से हटाते हैं इस तरीके से और इसको रिलीज़ कर देते हैं. तो ये इस तरह ऑसिलेट करेगा, वाइब्रेट करेगा. हमने ये प्रूफ करना है कि ये जो ऑसिलेशन है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है. यहाँ पे हम ये देखते हैं कि इस पर कितनी फोर्सेस लग रही हैं. डायग्रामेटिकली शो करते हैं. ये पेंडुलम है, ये इस जगह को ये हम सपोर्ट के लिए शो करते हैं, यानी कोई सपोर्ट है जिसके साथ ये पेंडुलम सस्पेंडेड है. इस वक्त इस पर टू फोर्सेस लग रही हैं. एक वेट ऑफ द बॉब है, यानी ज़मीन इसे अपनी तरफ खींच रही है. किस फोर्स के साथ, W के साथ, जो इक्वल होगा एम जी. दूसरा, इस स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस होगी, यानी अपोजिट फोर्स जो इस वेट के इक्वल है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में. अब हम क्या करते हैं, इस बॉडी को थोड़ा सा ऊपर लेकर आते हैं, यहाँ पे किसी एंगल के साथ, थोड़ा सा एंगल इसको इस तरीके से, जब बॉडी यहाँ से यहाँ तक आएगी तो कुछ एंगल बनेगा. इस एंगल को हम क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं. अब ये बॉडी वापस अपनी जगह पे आएगी, ड्यू टू इनर्शिया नहीं रुकेगी और यहाँ तक आ जाएगी. तो ये बॉडी इस तरीके से ऑसिलेट करेगी. अब ये जो बॉडी वापस अपनी जगह पे आएगी, ज़ाहिर है इसके लिए कुछ फोर्स चाहिए जो इसको वापस अपनी जगह लेकर आएगी. वो कौन सी फोर्स है जो इस वक्त इस पे लग रही है, वो रिस्टोरिंग फोर्स जिसने इस पेंडुलम को वापस अपनी तरफ लेकर आया है. हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है कि अगर फोर्स किसी एंगल के साथ किसी बॉडी पे एक्ट करता है तो ये फोर्स दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा. ये एंगल है जिसके साथ ये फोर्स एक्ट कर रहा है, तो ये फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा एफ कॉस थीटा और ये फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट होगा एफ साइन थीटा. इसी तरीके से जब ये बॉब ऊपर जाएगा तो ये जो वेट है, ये वेट जिसको हम W इज इक्वल टू एम जी कहते हैं, इसको आप सिर्फ एम जी भी लिख सकते हैं. ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, एक ये और एक ये. एंगल यहाँ बनेगा, जगह अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये करेस्पॉन्डिंग एंगल है.
ये जो कंपोनेंट है इसको हम एम जी कॉस थीटा कहेंगे। एंगल के साथ जो कंपोनेंट होता है वो कॉस होता है, जिस तरीके से कि यहाँ पे ये एंगल है तो ये इसका कॉस कंपोनेंट है, तो ये एम जी कॉस थीटा होगा। और ये वाला कंपोनेंट जो है ये वाला, ये हमारे पास एम जी साइन थीटा। तो ये वेट का कंपोनेंट जब हम बॉब को ऊपर लेकर आते हैं तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, दो कंपोनेंट में, एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा। अब आप देखें ये एम जी कॉस थीटा की डायरेक्शन यहाँ पे है, इसका मतलब है कि एम जी साइन थीटा रिस्टोरिंग फोर्स है जो बॉब को वापस अपनी पोजीशन पे लेकर आएगा, और ये एम जी कॉस थीटा इस टेंशन को बैलेंस कर रहा है। देखें अगर यहाँ पे रस्सी में टेंशन है ये, तो वो टेंशन यहाँ पे भी होगी। तो वेट वेक्टर जो है वो टू कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो जाता है, एक है एम जी साइन थीटा एंड एम जी कॉस थीटा। एम जी साइन थीटा इज़ द रिस्टोरिंग फोर्स विच विल ब्रिंग अगेन दिस बॉब टू इट्स इनिशियल पोजीशन, एंड एम जी कॉस थीटा इज़ द कंपोनेंट विच बैलेंसेज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो इस तरीके से ये हमारे पास ये जो पेंडुलम पे जो फोर्स लग रही है वेट, ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। ये डायग्रामेटिकल इसका प्रेजेंटेशन है कि यहाँ पे टू फोर्सेस अब यहाँ पे लगेंगी, एक एम जी साइन थीटा और दूसरा एम जी कॉस थीटा। अब थोड़ा सा इसको यहाँ पे भी देख लेते हैं कि एम जी इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉब एक वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये देखें ये एम जी जो है फोर्स ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, और ये डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी होता है। इट्स कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा इज बैलेंस्ड बाय द टेंशन इन द स्ट्रिंग, एंड इट्स कंपोनेंट एम जी साइन थीटा डायरेक्ट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इंक्रीजिंग थीटा। यहाँ पे ये जो जब हम बॉब को यहाँ लेकर आते हैं, देखें थीटा इंक्रीज हो गया है, अब वेट जो है दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, ये एम जी, एक एम जी कॉस थीटा और दूसरा एम जी साइन थीटा। ये जो एम जी कॉस थीटा है ये क्या कर रहा है, ये बैलेंस कर रहा है इस टेंशन को, यहाँ पे टेंशन जो है इसको ये एम जी कॉस थीटा बैलेंस कर रहा है, और ये एम जी साइन थीटा इस बॉब को वापस यहाँ लेकर आएगा। तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, अपोजिट टू द इंक्रीजिंग थीटा। देखें थीटा इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, इस डायरेक्शन में, और ये जो एम जी साइन थीटा है ये इस डायरेक्शन में आ है, इसका मतलब है कि ये इंक्रीजिंग थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस तरीके से सिंपल पेंडुलम पे जो फोर्सेस लग रही हैं वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती हैं, एक एम जी कॉस थीटा और दूसरा एम जी साइन थीटा। तो यहाँ पे देखें ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है एम जी साइन थीटा, ये असल में बॉब को वापस अपनी जगह लेकर आ रहा है। इसके साथ माइनस इसलिए लगाया है कि ये रिस्टोरिंग फोर्स है जो अप्लाइड फोर्स के अपोजिट है। मैंने भी इस पे इतनी फोर्स लगाई थी जब मैंने बॉडी को अपनी इनिशियल पोजीशन से मूव करके यहाँ पे लेकर आया था इस क्यू पॉइंट पे। तो अब इस बॉब पे एम जी साइन थीटा फोर्स लगेगी जो वापस इस बॉब को अपनी जगह लेकर आएगा। अब हम ये प्रूफ करते हैं कि ये जो मोशन है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है फॉर ट्राइंगल ओ पी क्यू। यहाँ पे आपके पास ये जो ट्राइंगल है, यहाँ पे मैं दोबारा इसको बना लेता हूँ, ये ओ है, ये पी है और ये क्यू, ये हमारे पास वो थीटा है,
जब बॉडी को हमने यहाँ से यहाँ पे मूव किया, ये पेंडुलम का लेंथ है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, आप इसको एल से शो करेंगे। बॉडी जो है यहाँ से मूव करके यहाँ गई है, ये डिस्प्लेसमेंट है, एक्स है। अब राइट एंगल ट्राइंगल, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल, देखें ये 90 है, इसके सामने ये जो ओ पी है ये असल में हाइपाटिन्यूज है, ये हाइपाटिन्यूज है, ये बेस है, बेस हमेशा एंगल के साथ होता है, और ये जगह जो है ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। तो ये एक ट्रायंगल है जिसमें साइन थीटा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपाटिन्यूज। तो परपेंडिकुलर ये एक्स है और हाइपाटिन्यूज एल है। तो देखें हमने साइन थीटा किसके इक्वल है, एक्स बाय एल, परपेंडिकुलर बाय हाइपाटिन्यूज। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर टू है, पुटिंग इक्वेशन टू इन इक्वेशन नंबर वन, साइन थीटा की जगह हम ये एक्स बाय एल ये वाली वैल्यू पुट कर लेंगे। देखें रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस एम जी, ये एम जी है, और साइन थीटा की जगह एक्स बाय एल पुट किया है। इस पूरे जो हमारे पास डायग्राम है, ये जो पूरा हमारे पास सिस्टम है, इसमें मास जी और ये लेंथ ये कांस्टेंट है, सिर्फ ये एक्स वेरिएबल है क्योंकि ये चेंज हो रहा है, कभी ज़्यादा कभी कम, ये एम्पलीट्यूड है या डिस्प्लेसमेंट है। तो हम एम जी और एल की जगह देखें यहाँ पे कांस्टेंट लिख रहे हैं और साथ ये वाला एक्स लिख लिया है। कांस्टेंट को जब हम हटाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी साइन आ जाता है, इसका मतलब है कि रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, एंड रिस्टोरिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन विच इज़ द कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन है। आल्सो बाय न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन के सेकेंड लॉ के मुताबिक एफ इज इक्वल टू एम ए भी होता है। कंपेयर थ्री एंड फोर, एफ इज इक्वल टू एम ए और एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी एक्स डिवाइडेड बाय एल। देखें इसको हम कंपेयर कर लेते हैं, तो एम ए इज इक्वल टू माइनस एम जी एक्स बाय एल, इसमें ये एम और ये एम आपस में कैंसल, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी एक्स बाय एल। अब यहाँ पे जी और ये एल कांस्टेंट है, सिर्फ इसमें ये एक्स जो है ये वेरिएबल है, तो इस जी और एल की जगह कांस्टेंट लिखा और यहाँ पे एक्स। अब जब कांस्टेंट को रिमूव करेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन इज टूवर्ड मेन पोजिशन, हैंस सेकेंड कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम इज आल्सो प्रूव, एंड हैंस सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब हमने टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है। वी हैव, ये रिजल्ट हम डायरेक्ट लेंगे, ये एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस फोर पाई स्क्वेयर बाई टी स्क्वेयर एक्स, क्योंकि ये आपकी बुक की स्कोप से बाहर है, लेकिन आप डायरेक्ट अभी इसको कंसिडर करें, बाद में फर्स्ट ईयर में जब आप इसको पढ़ लेंगे तो फिर आपके लिए ये जगह जो होगी ये भी क्लियर हो जाएगी। और एक्सेलरेशन अभी हमने प्रूफ किया है कि माइनस एक्स बाय एल जी के भी इक्वल है, देखें यहाँ पे हमने ये प्रूफ किया है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी एक्स बाय एल। इन दो इक्वेशन वन एंड टू को कंपेयर करते हैं, कंपेयर वन एंड टू वी गेट, अब यहाँ पे इस माइनस को माइनस के साथ कैंसिल कर दें, इस एक्स को एक्स के साथ, तो आपके पास आ जाएगा जी बाय एल फोर पाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय टी स्क्वेयर। अब हम
इनकी पोजीशन चेंज कर लेते, इस टी स्क्वायर को जब इस साइड पे लेकर आएंगे तो ये मल्टीप्लाई से, ये डिवाइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा इस साइड पे, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड है वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टी स्क्वायर यहाँ पे ये जो जी है इसको जब इस साइड पे लेकर आएंगे तो ये डिवाइड, तो ये मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा, और एल जब यहाँ पे आएगा तो ये डिवाइड से मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास रीअरेंजमेंट हो गई, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाय जी, ये इस तरह लिखा हुआ, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाय जी। अब अगले स्टेप में हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो टी स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट, 4 पाई स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट, एल बाय जी का भी स्क्वायर रूट। यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल ही है, तो यहाँ टी रह जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा, पाई स्क्वायर और ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो पाई रह जाएगा और एल बाय जी स्क्वायर रूट के साथ रह जाएगा। ये हमारे पास टाइम पीरियड है। फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी इज़ द रिसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, वो यानी टाइम पीरियड की वैल्यू को उल्टा कर दें तो वो फ्रीक्वेंसी बन जाएगा। देखें एफ टाइम पीरियड 2 पाई है तो फ्रीक्वेंसी 1/2 का, टाइम पीरियड में एल बाय जी है तो फ्रीक्वेंसी में जी बाय एल, तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है।